नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता है एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं जा रहा हूँ जखो गांव में। वहाँ पर जैन तीर्थ जैन मंदिर है, जो पंच तीर्थ यात्रा होती है जैन लोगों की, उसमें शामिल होता है उसका नाम। तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं और यहाँ से मैं लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा हिचहाइकिंग करके। तो हम पहुँचते हैं यहाँ से कुछ 13-14 किलोमीटर है, तो जल्दी से जाते हैं उसको विजिट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिफ्ट मुझे कैसे मिलती है। यहाँ से मेरे गाँव से शॉर्टकट एक रास्ता जा रहा है बाईपास साइड से, तो मैं यहीं से जाऊँगा, स्टेशन से नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ से फिर वो घूम के आना पड़ता है। तो यहाँ से बीच में से जाऊंगा, यहाँ से शायद मिल जाए तो ठीक है, वरना यहाँ से 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर शायद होगा कुछ, देख लेंगे। तो जल्दी से मिलते हैं आगे आपको। मैं पीछे पानी का टंका है, एक और मंदिर है और यहाँ पर भी एक मंदिर आप देख सकते हो। सामने रोड है, आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ से हम जाएंगे। अभी लिफ्ट मिल जाए तो ठीक है, अभी थोड़ा पैदल चल रहा हूँ, बाकी को गाड़ी जाएगी तो कोई गाड़ी जाएगी तो देख लेते हैं, अभी तो कोई आ नहीं रहा, बाकी देखते हैं कोई मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे एक ट्रक में लिफ्ट मिल गई है, तो मैं अभी जा रहा हूँ ट्रक से मेन रोड तक। मेन रोड से मैं आगे जाऊँगा जखो गांव के लिए, देख सकते हो कुछ। और भाई ने मना किया, उनका फेस मत डालना, तो मैं आपको फेस का नहीं देख रहा हूँ, तो आगे देखता हूँ और कौन सी लिफ्ट मुझे मिलती है। गया वो, जा रहा है वो ट्रक और हम अभी जा रहे हैं आगे, और यहाँ से एक और लिफ्ट लेने की ट्राई करते हैं, हम मिल जाए यहीं से। अभी कोई गाड़ी नहीं दिख रही, आप देख सकते हो कोई नहीं आ रहा पीछे से, तो थोड़ा चलते हैं पैदल थोड़ा आगे की तरफ और फिर खड़े रह के लिफ्ट मांगते हैं। कुछ कार वगैरह आ रही है, पर मेरे पास बोर्ड है नहीं, मैं बोर्ड भी बना लूँगा बहुत दूर है, गाड़ी बहुत कम जाती है जखो गाँव में। गवर्नमेंट की भी बस जाती हैं, वो भी बहुत थोड़ा कम है नॉर्मल की जरूरत है उसके हिसाब से। फैमिली ट्रिप होगा शायद किसी का। या खो बेनो था लिफ्ट लिफ्ट आए हुए ही भाड़े दे बेनोदा भाड़े देना ना भाड़े दे लिफ्ट में नहीं ना ना लिफ्ट के नहीं दिए भाड़े पे बोल रहे थे अपने को, कहाँ भाड़े पे जाना है यार। और गाड़ी आ रही है, देख रहे हो पीछे, नहीं दिख रही होगी, मिल गई हाईवे से मेरे को छोटा हाथी, जो वजन भी ना छोटा हाथी, गाड़ी का नाम मदन या नाम है गाड़ी का कुछ। तो ये भैया है, इन्होंने हमें लिफ्ट दी है, हम जा रहे हैं आगे जखो गाँव। जखो सुन ना, जखो पूरे गाँव तक हमको छोड़ देंगे, फिर वहाँ से हम पैदल चले जाएंगे कुछ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा अंदर। तो जल्दी से मिलता हूँ आगे, मैं थोड़ा सीन दिखा देता हूँ आगे से। मैं पहुंच गया हूँ, छकड़े वाला जो था भैया जी, उन्होंने मुझे अंदर तक छोड़ दिया क्योंकि वो भी कुछ अंदर ही जा रहे थे। यहाँ पर भी एक मंदिर है पीछे देख सकते हो, यहाँ पर भी एक मंदिर है और मैंने पूछ लिया यहाँ पर, थोड़ा आगे जाके है तो हम जा रहे हैं जैन तीर्थ के, वहाँ पहुँचते हैं जल्दी से वहाँ। तो आखिरकार हम पहुँच गए जैन देरासर जैन तीर्थ पर, यहीं से दिख रहा है आप देख सकते हो, यहाँ से भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है यार ये। जल्दी से अंदर चलते हैं, मैं थोड़ा आपको आसपास का भी दिखा देता हूँ ये कैसे दिखता है पूरा। अंदर प्रवेश करते ही मज़ा आ गया भाई, देखो पूरा वाइट वाइट, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मज़ा आ गया यार, कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर है भाई, एकदम वाइट, प्योर वाइट लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर ये इनकी है ऑफिस, और ऑफिस में से परमिशन ले लेंगे हम, और आप थोड़ा आगे का सीन देखो।
जैन तीर्थ पे पहुंच गया हूँ। यहाँ का मैंने सीन भी देख लिया है, बहुत ही सुंदर सीन है यार। यहाँ पर आपको देखना चाहिए अगर आ रहे हो तो। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा वर्किंग अभी मतलब पीछे की तरफ है, थोड़ा अंदर की तरफ है, तो कुछ इस तरह अलग अलग वर्किंग का कुछ काम चालू है। खास करके ये सामने जो मंदिर है उसके अंदर काम चालू है, कटर का कर रहे हैं और कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो काम कम्प्लीट होगा तो उसके बाद वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो इसके अंदर का शूटिंग मनाई है इसलिए मैं बाहर से कर रहा हूँ। फिर आपको अभी तो अंदर का नहीं मिल पाएगा शूटिंग, तो आप बाहर से भी इसको देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। पीछे जो है वो मेन ऑफिस है इसकी, वहीं से मैंने परमिशन लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि अंदर शूटिंग करने नहीं दे रहे हैं वो लोग। कोई बात नहीं, आप बाहर का सीन देख के भी अच्छा है, बाहर से भी अच्छा है, देखने में बहुत बढ़िया है। तो यहाँ की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके लिए, तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर ये पंचतीर्थ की जो यात्रा रहती है, जैन धर्म जो मानते हैं वो जैनिज्म का, उनमें से ये मेरा चौथा कंप्लीट हो गया। अब एक ही बाकी है 13 गांव में, तो अब आगे की ट्रिप हम 13 गांव की करेंगे। वहाँ पे भी बहुत कुछ देखने लायक है, तो वहाँ मिलते हैं आपको। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगा उस वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि वहाँ पसीना भी बहुत आ रहा है, क्या करूँ यार, गर्मी बहुत है। सुबह बारिश हुई थी मेरे गाँव में, अब यहाँ पर बहुत धूप है। तो अगर चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। तो बाय।